हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देव है। मैं स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हूँ। पिछले 7 साल से मैं पुणे में हूँ। यहाँ पे मैंने फर्स्ट ट्रेनिंग लिया है और कोचिंग के रिगार्डिंग मैं फिर बहुत सारी जगह पे गया हूँ। वहाँ से मैंने खुद ट्रेनिंग लिया है फर्स्ट, और उसके बाद में मैं खुद नेशनल्स खेला हूँ, और उसी के साथ साथ मैं खुद को इम्प्रूव किया हूँ। उसके बाद में मैंने पुणे में आके नए नए जगह पर जाके ट्रेनिंग स्टार्ट किया है, और आज मैं यहाँ पे पिछले 5-6 साल से ट्रेनिंग दे रहा हूँ। और एटलीस्ट मैंने ऑलमोस्ट आज तक 500 से 600 लोगों को, जो है लड़कों को, मेल फीमेल ऑल सबको मैंने ट्रेनिंग प्रोवाइड किया है। मेरे स्विमिंग सिखाने का जो तरीका है, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो सबका डर होता है पानी के लिए, वो निकालने की कोशिश करता हूँ। और जब एक बार उनका डर निकल जाता है, तो उस हिसाब से फिर मैं उनको ट्रेनिंग आगे कंटिन्यू कराता हूँ। जैसे कि अगर कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, करियर बनाना चाहता है, उस हिसाब से मैं उनको जो ट्रेनिंग है वो आगे बढ़ाता हूँ। जैसे कि स्विमिंग में अलग अलग स्ट्रोक्स होते हैं, बटरफ्लाई, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, फ्री स्टाइल। उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो क्या, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से मैं उनके स्ट्रोक्स जो है उनको देता हूँ, और उस हिसाब से उनकी प्रैक्टिस लेता हूँ। उनके प्रैक्टिस सेशंस जो होते हैं वो डेली और अदरवाइज वीकली बेसिस पे होते हैं। बट स्पोर्ट्स में जो है, अगर हम उनके कंटिन्यूस सेशन लेते हैं, तो उनके स्पोर्ट्स करियर के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं। एट द सेम टाइम जो सिर्फ अपने फ्रेशनेस के लिए या फिर रिफ्रेशमेंट के हिसाब से अगर लाइफ में स्विमिंग सीखना चाहते हैं, तो मैं उनको भी स्विमिंग सिखाता हूँ। जिनको पानी का फोबिया है, उनके उन लोगों के लिए भी मैं काम करता हूँ, उनका जो पानी का डर निकाल देता हूँ। एट द सेम टाइम मैं जो लाइफ गार्ड्स होते हैं उनका ट्रेनिंग देता हूँ। हालांकि अगर कहीं पर अगर उनको रिक्वायरमेंट हो, तो वो वहाँ पर जाके एज ए लाइफ गार्ड करके काम कर सके, और कभी अगर ऐसे आपत्तिजनक स्थिति आ जाए तो उस टाइम पर वो जाके लोगों की मदद कर पाए। वैसे ही मैं ऐसे जिनको फैट वगैरह की वजह से प्रॉब्लम आता है, जैसे कि आपको पता है कि स्विमिंग की वजह से फैट वगैरह ये जो चीज़ें हैं, इन सब का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है स्विमिंग में, की वजह से उनका फैट भी कम होता है और एट द सेम टाइम उनका वेट लॉस भी होता है। तो इन सब चीज़ों को मैं मदद करता हूँ, और उसी हिसाब से स्विमिंग के उनके अलग अलग एक्टिविटीज़, अलग अलग एक्सरसाइज, इनके थ्रू मैं उनका वेट लॉस और एट द सेम टाइम फैट लॉस का प्रोग्राम भी एक्टिवेट करता हूँ। इसी साथ हम जो है अलग अलग स्कूल्स में, अलग अलग जगह पे जाके कैंप प्रोवाइड करते हैं, जिनमें कि हम लोगों को स्विमिंग एट द मीन्स जैसे कि सोसाइटीज़ में एक छोटा सा कैंप प्रोवाइड करके वहाँ पे सभी लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, छोटे छोटे बच्चों को, जैसे कि एज ग्रुप जो होता है वो जैसे 3 साल से लेके 6-7 साल तक का एक ग्रुप होता है, 6-7 साल से लेके 14 साल तक का एक ग्रुप। क्योंकि स्विमिंग सीखने के लिए ऐसे कोई पर्टिकुलर ईयर नहीं होता है। अगर आप 2 साल से 3 साल तक के बच्चे को अगर एक बार पानी में उतार देते हैं, और बार उनका अगर बचपन में डर निकल जाता है, तो आगे चल के लाइफ में उनको कभी भी कोई भी तरह का डर नहीं रहेगा पानी के लिए। बट अगर आप 10-15 साल तक उनको अगर कभी पानी में अगर जाने नहीं देते हैं, और सडनली अगर उनको कभी पानी में उतरने की बोलोगे, तो उनके मन में एक डर रहता है, उसकी वजह से उनको तकलीफ होगी, बाद में सीखने के लिए भी टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो प्रेफरेबल टाइम जो होता है वो 2 साल से 5 साल 6 साल तक के रिस्ट एरिया में ही आपको सबको स्विमिंग देनी होती है। और उसके बाद में जो होता है स्विमिंग कंपटीशन अगर के हिसाब से देखा जाए, तो 5 साल से लेके 14 साल तक ये बेस्ट पीरियड होता है स्विमिंग कंपटीशन की प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि उस टाइम पे आपकी बॉडी जो है, स्विमिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी की, अगर वो परफेक्ट है तो उसी एज में वो अगर सीख जाएगा, तो उसमें वहाँ पे जितना भी हमें उनको अलग अलग तरीके से अलग अलग स्ट्रोक्स अगर सिखाने हैं, तो हम अच्छे तरीके से उनको सिखा पाते हैं, और उनमें उनकी इंप्रूवमेंट भी बहुत ज्यादा दिखती है। बट एट द सेम टाइम अगर आप उनको 20 साल के बाद अगर सेम चीज करने के लिए बोलेंगे, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आता है। तो इसीलिए ये सब चीजें जो होती है, स्विमिंग के साथ साथ एक्टिविटीज, वार्म अप, फिजिकल एक्टिविटीज, अदर वार्म अप एक्सरसाइज लाइक स्विमिंग करने से पहले और स्विमिंग के बाद में स्ट्रेचिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर प्रॉपर स्ट्रेचिंग नहीं हुई स्विमिंग के पहले, तो स्ट्रेचिंग जो होती है वो टोटल वार्म अप में आ जाता है, लेकिन स्विमिंग के बाद में जो है वो जो एक्टिविटीज आती है वो इन वाटर स्ट्रेचिंग होती है, जो कि बहुत ज़रूरी है। जो आपकी थकावट है आपके एक्सरसाइज के बाद की, जो आपकी कंपटीशन लेवल पे अगर आप पढ़ रहे हो, उसके बाद में जो आपको एक्सरसाइज ज़रूरी होती है, वो सभी एक्सरसाइजेस मैं करवाता हूँ, ताकि उनको आगे चल के उस स्पोर्ट्स में इम्प्रूवमेंट मिले। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे रिगार्डिंग, और अगर मेरे स्पोर्ट्स इसके रिगार्डिंग, स्विमिंग के रिगार्डिंग, या फिर मेरे ट्रेनिंग के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन trainersdirectory.in पे। थैंक यू।